उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। दरअसल एनजीटी के आदेश के बाद देहरादून नगर निगम की ओर से मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए हैं। एनजीटी के इस आदेश के बाद निगम की ओर से सभी को नोटिस थमा दिए गए हैं, जिससे लोगों को काफी चिंता बढ़ गई है। हाँ जी, हमने ये सुना था कि ये बस्ती सब जो है ये सब हटे लिए, और हम इतने साल से रह रहे हैं, 15-16 साल हो गए हमें। पहले भी हम रह रहे, एक बार पहले भी ये बस्ती जो है टूट गई थी। हमने ऐसे ही दीवार 4 इंची ऐसी पुरानी ईंट लेके खरीद के अपनी चुन ली और अपने टीन रख ली थी हमने। एक बार टूट गई, फिर हमने बनाई दोबारा बनाई हमने। अब हम दिहाड़ी करने वाले आदमी हैं, 400-500 रुपये दिहाड़ी हमारी। अब टूट जाएंगे, भाग जाएंगे, हम कहाँ जाएंगे बता। वोट हमारे सबके हैं, वोट के लिए आते हैं वोट। जब अभी हमने सिद्धू वाला और यहाँ वोट डाला, हमने सबके वोट हैं, सब वोट डालते हैं। शुभ भारती हॉस्पिटल, ये भी आदमी, ये भी सब बिल्डिंग, ये भी सब ऐसे ही बनी हुई थी। बस यही है, हम जगह मिल जाए, दिहाड़ी मजदूरी कर रहे हैं, कहाँ जाएंगे बड़े बच्चों को लेकर। यही है मतलब, बस सबसे बड़ी खुशी यही है, अगर हटाएंगे तो हमें यहाँ से। यही 20-25 साल दिहाड़ी मजदूरी करते हैं सर, बस यही है। इधर उधर से सुनते थे भी हटाएंगे बस्ती हटाएंगे। वहीं एनजीटी में 13 मई को सुनवाई हुई थी, जिसमें नगर आयुक्त गौरव कुमार ने अपना पक्ष रखा था। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद एनजीटी ने नगर निगम को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि जिन बस्तियों को आपने चिन्हित किया है, उन्हें 30 जून तक हर हाल में हटाना होगा। राजधानी देहरादून में मलिन बस्तियों पर एक बार फिर ध्वस्तीकरण की तलवार लटक गई है। एनजीटी ने नदी नाले के किनारे हुए अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई के साफ निर्देश नगर निगम को दिए हैं। एनजीटी के आदेश के बाद साल 2016 के बाद किए गए कब्जों को नोटिस जारी कर एक सप्ताह का अल्टीमेट दिया गया है। एनजीटी के निर्देश पर निगम की ओर से अस्पना नदी के किनारे 27 बस्तियों का सर्वे कर 560 अतिक्रमण चिन्हित किए गए। बता दें कि साल 2016 के बाद किए गए निर्माण को चिन्हित किया गया है। मलिन बस्ती के बारे में अध्यादेश लागू किए जाने के बाद नियमानुसार साल 2016 के बाद से निर्माण अवैध माने गए हैं, जिनके खिलाफ अब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जाएगी। वहीं एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में कार्रवाई करने के भी आदेश दिए हैं। वहीं निकाय चुनाव से पहले अतिक्रमण के खिलाफ होने जा रही कार्रवाई पर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस ने इस पर कार्रवाई पर सवाल खड़े किए, साथ ही सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया। कांग्रेस ने भाजपा पर अतिक्रमण के नाम पर लोगों को डरा कर चुनाव में इसका लाभ लेने का भी आरोप लगाया है। ये फैसला है कि पहले तो आप बस्तियां बसाते हैं, फिर उनके वोट पाते हैं, सरकार जब बन जाती है तो आप उनको तोड़ने के आदेश देते हैं। ये अपने आप में एक दुर्भाग्यपूर्ण है। सरकार को इसमें सोचना चाहिए और फिर जल्दबाजी में कदम नहीं उठाना चाहिए। इसमें जो है आप बहुत, एक कांग्रेस सरकार जो अध्यादेश लेके आई थी कि मलिन बस्तियों को जो है निमित्तीकरण किया जाए, जो ठंडी बस्ती में डाल दिया गया, ना उसमें कोई आपने कार्य किया और उसको नहीं आगे बढ़ाने का काम किया। तो मैं चाहूंगी कि सरकार इसको अभी भी इतने जल्दबाजी में कदम ना उठाए, सोच समझ करके लोगों से जो है इसमें सुझाव ले, उसके बाद ही कोई कदम उठाए। आपको बता दें कि उत्तराखंड में 100 नगर निकायों का 5 वर्ष का कार्यकाल पिछले साल 2 सितंबर को खत्म होने के बाद इन्हें प्रशंसकों के हवाले कर दिया गया था। इन प्रशंसकों का कार्यकाल भी जून में समाप्त हो रहा है। इससे पहले निकाय चुनाव की तैयारियां चल रही हैं। हालांकि विपक्ष सरकार पर एक बार फिर निकाय चुनाव को टालने का आरोप भी लग रहा है। अभी हमारे द्वारा जो माननीय न्यायालय में दाखिल किया गया है, हमने 11 मार्च 2016 के बाद के अतिक्रमण चिन्हित किए हैं, वो लिस्ट स्टेट की तरफ से भी वहाँ पर सबमिट की गई है, जो लिस्ट हमने उसमें की थी और हमारी जो वेबसाइट पर भी थी। हमने जो न्यायालय में समय सीमा दाखिल की है वो 30 जून तक की दाखिल की है, जिस पर न्यायालय ने हमको निर्देशित किया है कि 30 जून तक की कंप्लाइंस अवश्य मेट कर ली जाए। कुल मिलाकर उत्तराखंड में निकाय चुनाव से पहले राज्य में अतिक्रमण के मुद्दे पर सियासत गर्मा गई है। एक और जहां सरकार के सामने निकाय चुनाव कराने की चुनौती है, तो वहीं दूसरी ओर चुनाव से पहले एनजीटी ने 30 जून तक हर हाल में अवैध अतिक्रमण के विरुद्ध कार्रवाई के भी आदेश दिए हैं। अब सवाल ये है कि क्या निकाय चुनाव से पहले धामी सरकार मलिन बस्तियों के खिलाफ कार्रवाई करेगी? आखिर कब तक इन बस्तियों को पहले बसाया जाएगा या फिर उन्हें उजाड़ कर बेघर कर दिया जाएगा? सवाल ये भी है कि क्या धामी सरकार समय पर निकाय चुनाव करा पाएगी या नहीं? ग्रीन ट्रिब्यूनल के यहाँ शिकायत करने के बाद वहाँ उसकी सुनवाई हुई थी और न्यायालय ने ये आदेश दिया है कि जो इस प्रकार के अतिक्रमण हैं, अवैध रूप से बसे हुए हैं, इनको हटाया जाए। तो इसी प्रक्रिया के तहत अधिकारियों के द्वारा
ये अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई है और जिसका जवाब कि हाईकोर्ट ने 16 मई को इसको देना है। तो मैं समझता हूँ कि इसके संबंध में गंभीर रूप से सरकार विचार कर रही है कि इसको कितना इस पर कार्रवाई करनी है, क्या इसमें किया जाए, तो इस पर अभी विचार किया जा रहा है। नहीं, पहली बात तो ये कि पूरी मरीन मिस्टर को हटाने की बात नहीं है। 2016 के बाद जो नए निर्माण हुए हैं उनको लेकर एनजीटी ने एक आदेश पारित किया, उसमें कोर्ट ने कहा है उनको हटाया जाए। तो कल मेरे क्षेत्र में भी 8 लोग चिन्हित हुए हैं दीपनगर क्षेत्र में, कल वो मेरे पास आए थे तो मैंने उनके नोटिस वगैरह देखे हैं। कुछ ऐसी भी स्थितियाँ हैं कि निर्माण पहले से मौजूद है लेकिन बस्तियों में मकानों की खरीद फरोख्त चलती है, तो नए लोगों ने वो खरीदे हैं लेकिन वो पुराने निर्माण हैं। ऐसे ही वो 8 मामले निकले कि जो पुराने निर्माण थे, हमने कहा जिन पर 2016 से पहले की जो पानी की रसीदें हैं, जो कनेक्शन की या बिजली कनेक्शन रसीदें हैं, आप चेक करा लीजिए, क्योंकि आपको तो नए निर्माणों पर कार्रवाई करनी है 2016 के बाद। अगर निर्माण पुराने हैं उसमें खरीद फरोख्त चलती है, वो होता है, वो एक अलग सब्जेक्ट है।